हेलो जी वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खुदा के रहम करम से ठीक होंगे और आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हो चुकी है सुबह और काफ़ी सारी तैयारियां भी करनी है, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और कंफर्म जो है वो डेट 5 तारीख फिक्स हो गई है, तो आप लोगों ने दुआओं में याद रखना है। बस खुदावन बाप हमेशा हमारे साथ रहे और अपनी करम नवाजी हम पे करें। और मिशेल की तबीयत जो है आप लोगों की दुआओं से अब काफ़ी बेहतर है। मिशेल ने थोड़ा बहुत खाना पीना भी स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे सुमन भी है लेकिन उसने दुपट्टा नहीं लिया हुआ, तो इसलिए वो नहीं आ रही वीडियो में। और यहाँ पे दिया है, ये क्या? हेलो करो। और हम नाश्ता खा रहे हैं, नाश्ता बनाई है मिशेल के लिए, सवैयाँ। सुबह सुबह सवैयों का नाश्ता, क्योंकि मिशेल से कुछ खाया नहीं जा रहा, तो इसलिए हमने बना लिया सवैयाँ। तो अभी करते हैं नाश्ता और आपसे मिलते हैं नाश्ते के बाद। अभी हम लोगों ने कर लिया था नाश्ता। नाश्ता करने के बाद मैं गई थी मार्केट और वहाँ से लेके आई थोड़ा सा सामान, सब्जी वब्जी लेके आए। और तकरीबन जो है सब्जी में ही जो है बंदा जो है ना समझो ख़त्म है। सब्जियाँ इतनी महंगी हो गई हैं, सुमन हंस रही है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सब्जियाँ इतनी महंगी हो गई हैं कि प्याज 240 रुपये किलो प्याज, और गरीब बंदा 200, जिसके पास पैसे नहीं है वो 200 के प्याज ले लेगा, तो बाकी सब्जी वो कहाँ से लेगा? नहीं वो एक ले लेना बस। हाँ वो एक प्याज ले लेगा 30 रुपये का, है ना? सुमन कह रही है वो एक ही ले ले प्याज। तो जाहिर सी बात है हम लोग भी गरीब हैं, तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं भाई। आधा किलो प्याज लेके आती हूँ मैं दूसरे दिन, है ना? परसों लेके आई थी। गरीब। हाँ तो नहीं भाई, खुदा जो है सबको दे और हर किसी को जो है कमाने की हिम्मत और ताकत दे। और महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हर इंसान परेशान है, चाहे अमीर चाहे गरीब है। तो लेके आई थी थोड़ी सी सब्जी और आज बनाएंगे हम लोग कीमा और शिमला मिर्च बनाएंगे और आपके साथ करेंगे शेयर। और गैस इतना महंगा हो गया कि हम लोग गैस करवा ही नहीं रहे। नहीं, गैस मिल ही नहीं रही, गैस हो गया शॉर्ट। और जहाँ से कहीं से मिल रहा है ना दूर से, तो वहाँ से 400 रुपये किलो मिल रहा है, तो हम लोग हो गए हैं परेशान। तो हम लोग गैस नहीं करवा रहे हैं, गैस मिल ही नहीं रही मम्मी, तो मिल ही नहीं रही। और सुमन यहाँ पीछे से तोड़ नजर आ रही है लहसुन वगैरह। और लहसुन जो है 100 रुपये पाव है, तो एक पाव मैंने लहसुन ले लिया था, 1 किलो टमाटर और मिर्ची वगैरह ले ली थी। यहाँ पे मैं लेके आई थी शिमला मिर्च और साथ छोटे छोटे स्लाइसेस वाले आलू भी डालेंगे। यहाँ पे 1/2 किलो प्याज ले ली थी मैंने, 1 किलो आलू ले लिए थे। और अभी जो मेरा इरादा बन रहा है ना वो बन रहा है मार्केटिंग वीडियो पे। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि मैं मार्केट्स की वीडियो डालूँ या ना डालूँ, मतलब के चीज़ों के रेट कहाँ से चीज़ें सस्ती मिलती हैं। हर मार्केट जाके आपको चीज़ों के रेट पता करके बताऊंगी। और मेरे व्लॉग आगे बहुत अच्छे होने वाले हैं। अभी हम दिखाएंगे आपको अपनी पूरी शॉपिंग सुमन के व्लॉग पे कि मेरी तैयारी कहाँ तक पहुँची है, तो मैंने क्या क्या ले लिया और क्या क्या रह गया वो भी दिखाएँगे ज़रूर। और यहाँ पर हम लोग बनाने लगे आलू कीमा और शिमला मिर्च। तो आपने रहना है हमारे साथ ही, तो साथ ही रहें। मन से मिला। हेलो जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं सब ठीक होंगे। और यहाँ मैं खा रही हूँ मूली जी, और यहाँ पे इसको मूली का मज़ा आ रहा है ना। हेलो जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं सब ठीक होंगे। और मैं खा रही हूँ मूली, मम्मा लेकर आई है मूली, तो मैं इनको खा रही हूँ, आप लोग भी खा रहे हैं। देखो ज़रा मैं यहाँ पर इसने इतने अच्छे स्लाइस बनाए हैं और खा रही है। तो चलें जी, चलते हैं खाने की तरफ, जल्दी से खाना बना के और फिर जाएंगे अम्मी का हाल चाल पूछने के लिए। तो अम्मी बुला रही हैं मुझे, अभी रास्ते में फ़ोन भी आया था, तो चलते हैं और जल्दी से पहले खाना बना लेते हैं ताकि पीछे कोई टेंशन ना हो। जी व्यूअर्स, हम लोग आ गए ऊपर और कीमा हो गया जो है बॉयल, और मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं और लकड़ियों पे बना रहे हैं। और मम्मा बना रही है यहाँ पे सब्जी, गैस मिल और लिया पीछे हटो। लिया मम्मा बना रही है सब्जी और आलू और शिमला करिए कट, सारने करिए वॉश करके कट करिए। और यहाँ बनाने लगा तिली, और तिली मैंने बॉयल कर लिया और इसको मैगिनेट करते हैं, मैगिनेशन करके फिर फ्राई करेंगे। तो व्लॉग चल रहा है, साथ ही रहिएगा ना। यहाँ पे हमारा कीमा तकरीबन जो है वो बॉयल होने वाला है, बस थोड़ा सा रह गया, तो अब इसको करते हैं फ्राई, फिर इसमें करेंगे सब्ज़ी ऐड
ये सब्जी भी हमारी हो गई है कट, और यहाँ पे सुमन की मैगनेशन भी हो गई है। और यहाँ मैंने तिली को कर ली मैगनेट। हाँ तो यहाँ पे मैगनेशन कर रही है और इसके बाद करेगी फ्राई, तो फिर देखते हैं कैसी बनती है। मैं पहली दफे बना रही हूँ। और सुमन असल में काफ़ी दिनों से कह रही थी मुझे, है ना, कि मम्मा तिलियाँ लेके आना, क्योंकि हमारे इधर बाहर बिक रही हैं, तो वो सुमन ने खाई थी तो अच्छी लगी थी, फिर कह रही मम्मा लेके आना घर पे बनाएंगे, क्योंकि घर पे जो बनाई हुई चीज़ है पे जो है मौसम काफ़ी सेट हो गया है ना सुमन। हाँ, सर्दी बहुत कम हो गई, आज तो बिल्कुल सर्दी नहीं थी, है ना। हाँ। और मौसम काफ़ी सेट हो गया, तो इसलिए जो है काफ़ी बेहतर लग रहा है। और यहाँ पे हम लोग चूल्हे के आगे बैठे हुए लकड़ियाँ जला रहे हैं, क्योंकि गैस बिल्कुल शॉर्ट हो गया, मिल नहीं रहा। हाँ मिल नहीं रहा ना गैस, और इसलिए हो गया थोड़े से परेशान, क्योंकि खाना वाना हम लोग उस पर बनाएँ तो आपसे पूरी रेसिपी शेयर करें। अब इस पर जो है हम लोग को खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता, है ना, इस पर खाना बनाना बस प्रॉपरली खाने का। हाँ खाना ही बनाना है, क्योंकि आग जो है तेज़ हो जाती है, और इसमें कोई कम ज़्यादा का वो नहीं होता, अगर लकड़ियाँ लगा दो तो बस आग फिर तेज़ ही रहती है, बुरी बात है सोना। तो यहाँ पे सेक भी लग गया मुझे, थोड़ा सा रेड रेड हो रहा है यहाँ पे, तो इसका सेक भी बाहर की तरफ आता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए सेक भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो सुमन यहाँ पे कर रही है, तो दिखाते हैं आपको, साथ ही रहिएगा। मेरा तैयार, मम्मा ने ऑयल डाल के करनी है फ्राई, है ना। और मम्मा को देखो फेस पे पता क्या लग गया, ये देखो जरा सेक लग गया, सेक नहीं लग गया, तेल लग गया, नजर ना लगे खाना बनाते हुए, तिल लग गया, तो वही असल में कालक लग गई है, तो हाँ देचकी वेचकी काली हो जाती है। हाँ तो पता नहीं चलता कब मुंह पे लगी थी, तो सुमन के भी नाक पे लगी हुई है। आए हाय मैं नहीं माना, मैं टा देनी हूं। तो ये देखो ना पतीली काली हो गई, जब मम्मा पकड़ दे तो हाथ से फेस पे लग जाता है ना। और यहाँ मेरी तिली इतनी अच्छी मैंने मैगिनेट की है, और अभी इसे फ्राई करेंगे, ठीक है। अभी मैंने इसमें धनिया भी मैंने साथ में डाल दिया, और अभी ऐसी इतनी अच्छी लग रही, लग रहा है ऐसी पक गई हैं। इसमें मैंने ऑयल डाला है, सारे ड्राई में सारे डाले हैं, बहुत अच्छे से मैगिनेट किया, और अभी फिर फ्राई करेंगे, जब ये उतारेंगे तो फिर तिली फ्राई करेंगे। लहसुन का पेस्ट भी तो डाला है। हाँ लहसुन का पेस्ट भी डाला है, और कीमा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बन रहा है। हाँ लकड़ियों जल्दी बनता है। हाँ जल्दी बनता है, सही है। हाँ काला वाला तो होता है लेकिन बनता जल्दी है ना, तेज। हम लोग तकरीबन जो है 15-20 मिनट में खाना बना लेते हैं। 15-20 मिनट में नहीं, उसे पकना नहीं होता। नहीं रोटी वोटी ये दूसरा साल तो 5 मिनट में बन जाता है, क्या हो गया तुम्हें। सही है, जादू है ना। आप हाँ। बोलो जादू होते हैं। सब्जी ऐड की, मैं कीमा फ्राई हो गया, तो मम्मा ने कहा पहले सब्जी ऐड कर दें। और सुमन को ये है कि जल्दी से अब तिलियां बना, मैं कह रही हूं मैगिनेशन दे रो रही, तो पहले तिलियां बना, बता रहा पहले जाना वो बनाए, मैं कह रही हूं उन्होंने पहले फ्राई करिए, सालन में भी टाइम है, देखो अभी मम्मा ये सब्जी डालेंगे, फिर सब्जी पकेगी, फिर आलू गलेंगे, नहीं इतना थोड़ी, तो फिर मैगिनेशन को इतनी देर हो जा रही, तो मैगिनेशन जितनी ज्यादा देर रहेगी उतना अच्छा लगेगा आपको, आपको ये नहीं पता। नहीं पहले मैं तिलियां खानी है, बन रहा है ठीक है, अभी मैं जब फाइनल सालन बन जाएगा ना फिर ही दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखाऊंगी, सही है ना, मैं अपने तिलियां वो खाऊंगी बस, मैं तिलियां हमने रख दी। और यहाँ सालन हो गया पूरा रेडी, और सालन बहुत अच्छा लग रहा है, मम्मा का मोबाइल इतना प्यारा है, इसमें ज़्यादा कुछ प्यारा लग रहा है। और सालन मम्मा ने बना लिया, और यहाँ मम्मा कर रही है तिली फ्राई, जो मैंने मैगिनेशन की थी, और अभी ये कैसी बनती है ना दिखाते हैं। और बाकी का व्लॉग मेरे व्लॉग चैनल पे आप लोग जाइएगा, सुमनेश्वर व्लॉग पर, ठीक है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं अभी कहीं, तो रेडी वेडी होते हैं, तो वो भी व्लॉग आपको मेरे चैनल पे मिलेगा कि कहाँ जा रहे हैं, है ना। तो मम्मा ने पापा को कॉल करके बता रहे हैं, जरूर करें और अच्छे से कमेंट कीजिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अच्छी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।